ध्यान दो बच्चों, इसका एक और तरीका हम लोग देखें। देखो ध्यान दो, एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं a by under root ab और इसको लिखते हैं b by under root ab, टू इधर मल्टीप्लाई कर दो बराबर 2m by n। देखो ध्यान दो, अब देखो ये क्या होगा, ये रूट ए है, ये ए है, तो ये रूट ए ऊपर बचेगा और नीचे रूट बी बचेगा। देखो ये रूट बी है, ऊपर बी है, तो रूट बी ऊपर बचेगा, है ना। ये हो गया 2m by n, ठीक है। देखो एक काम करते हैं, रूट ए बाय रूट बी को अगर हम y मान लें तो देखो ये हो गया y प्लस 1 by y, है ना, और बराबर 2m by n, ठीक है। ये y हो गया तो इसका रेसिप्रोकल 1 by y हो गया। देखो एलसीएम ले लें तो हो गया y स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y इक्वल टू 2m by n। अब देखो यहां से ये हो गया y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2m by n y, तो y स्क्वायर माइनस 2m by n y प्लस 1 बराबर 0, ठीक है। अब देखो काम किया जाए, y की वैल्यू निकालो। देखो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, इससे y की वैल्यू आएगी, तो y की वैल्यू क्या आएगी, माइनस b, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, है ना, माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, y की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया 2m by n प्लस माइनस, देखो 4 LCM ले लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो बाहर 2 आएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n और डिवाइड बाय 2। बोलो ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। क्या किया देखो, n स्क्वायर LCM लिया और 4 ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे n स्क्वायर रूट के बाहर आके n बन जाएगा। बोलो बात समझ आ गई ना भाई, n स्क्वायर LCM ले लो और 4 को हम ले लो बाहर 2 आएगा, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर नीचे n स्क्वायर आएगा, रूट के बाहर आके वो n आ जाएगा। अब देखो 2 सब में से कॉमन ले कैंसिल कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, और ये हो जाएगा m प्लस माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n, है ना। देखो ये आ गया। अच्छा अब देखो ध्यान दो, ये हमारी देखो यहां से y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो क्या होगा, y की वैल्यू ये है और फिर हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तो हमें a by b की वैल्यू यहां से मिलेगी। ध्यान दो, फिर से हमें इसको स्क्वायर करना पड़ेगा तब हमें a by b की वैल्यू यहां से मिलेगी, है ना। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन हमको यहाँ पर करना पड़ेगा, एक तरीका देखो इसे करने का ये भी है, ठीक है। हमने y बना लिया क्वाड्रेटिक और फिर y की वैल्यू निकाल ली, y की वैल्यू निकालने के बाद हमें अंडर रूट a बाई अंडर रूट b की वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि a बाई b निकालने के लिए उसको दोनों तरफ फिर से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमें अपने क्वेश्चन का आंसर यहाँ से मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ से y की वैल्यू निकाली, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर ये आ गया, बताओ कब आएंगे इसके बाद, बोलो y की वैल्यू आ गई, अब स्क्वायर करेंगे तो ay मिलेगा, a बाई बी हमको देखो यहाँ से मिलेगा। ये है देखो हमारे क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। ऐसा देखो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा तो, है ना, इसके बाद कर पाएंगे, बोलो बताओ भाई। देखो मान लो एक वैल्यू ले, y की पॉजिटिव वैल्यू ले, ठीक है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n, y का मतलब क्या बोलो, रूट ए बाई बी, तो रूट ए बाई रूट बी स्क्वायर कर दो, देखो ये हो जाएगा a बाई बी, इसको स्क्वायर करोगे देखो क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab, ठीक है, और अपॉन देखो आ गया n का स्क्वायर, बताओ भाई, ठीक है। अब देखो जो प्रूफ करना है वो आया कि नहीं आया, बताओ जो प्रूफ करना है देखो वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है,
थोड़ा और करना पड़ेगा सिंप्लीफाई, है ना। देखो इसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का टू टाइम दिस इनटू दिस, और नीचे क्या है बोलो एन स्क्वायर। लेकिन देखो जो प्रूफ करना है वो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहा, तो मतलब इस मेथड से कई बार देखो जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है, है ना। इस मेथड से हमारा क्वेश्चन कई बार लेंदी भी हो जाता है, तो ये थोड़ा सा कई बार ध्यान रखना पड़ता है ना, कि भाई क्वेश्चन थोड़ा आसानी से हो। ठीक है बताओ भाई, तो क्वेश्चन तो हमने अभी तक सही किया है, माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, है ना। टू कॉमन ले कैंसिल कर दिया, ये देखो यहां से हमें रिजल्ट मिला। ठीक है ऐसे देखो यहां से हमें ये रिजल्ट मिल गया, है ना। अब देखो y की वैल्यू दो अलग अलग केस है, एक केस लिया प्लस माइनस था ना, प्लस वाले को लिया स्क्वायर किया, स्क्वायर किया देखो तो यहां से देखो यहां पर अभी जो प्रूफ करना है a by b का रेशो देखो वो नहीं आया। देखो उसकी वजह ये है कि ये जो हमारा रिजल्ट है और ये जो रिजल्ट है एक्चुअली ये रिजल्ट है सेम, मतलब जैसे देखो हमारा क्या आया a by b आया, देखो ऊपर क्या है ये है 2m square minus n square plus 2m under root m square minus n square upon n square, देखो ऐसा रिजल्ट है मेरा। और देखो जो प्रूफ करना है एक्चुअली वो भी यही है, देखो कैसे अगर हम इसको रैशनलाइज कर दें तो देखो वो यही आ जाएगा। देखो ध्यान दो हमें जो प्रूफ करना है एक्चुअली वो है यही चीज, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। देखो कैसे, जैसे देखो हमें जो प्रूफ करना है वो ये है, ऐसे है देखो ये, है ना। देखो एक काम करें इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर और इसी से मल्टीप्लाई कर दें नीचे। अब देखो ये क्या हो गया ऊपर होल स्क्वायर हो गया, होल स्क्वायर हो गया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना। और देखो नीचे क्या हो गया a माइनस बी ए प्लस बी तो ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, देखो यही टर्म आ जाएगा जो प्रूफ करना, देखो यही आ गया। मतलब ये टर्म जो आपने लिखा है और जो हमारा आंसर आया है दोनों में एक्चुअली कोई फर्क नहीं है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। वजह यह है कि अगर देखो हम इसको इस टर्म को रैशनलाइज कर दें, देखो ये वही आ गया जो हमने यहाँ पर प्रूफ किया। देखो ये m स्क्वायर कैंसिल आ जाएगा, ऊपर देखो यही हो जाएगा, है ना। तो इस मेथड से क्वेश्चन करने में थोड़ी ये दिक्कत देखो यहाँ पर आई। तो पहला वाला जो मेथड था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो वाला मेथड, वो इस सवाल को करने का ज्यादा अच्छा मेथड था। इससे देखो हालांकि आंसर आ गया फिर भी जो प्रूफ करना था वो डायरेक्ट नहीं आया, ये थोड़ी यहाँ पर दिक्कत है ना। देखो जरा बच्चों ध्यान से इसको,